एक ऐसा मंदिर जिसमें किसी देवी की पूजा नहीं होती है, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो तंत्र विद्याओं का गढ़ है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर है। कामाख्या मंदिर का अपना अलग ही एक इतिहास है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कामाख्या मंदिर से जुड़ी वो सारी बातें और जानेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में, क्यों इसे तंत्र विद्याओं का गढ़ माना जाता है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कामाख्या मंदिर को जानने से पहले कामाख्या का अर्थ को जान लेते हैं। इस मंदिर की देवी का नाम कामाख्या है। कामाख्या का अर्थ इच्छाओं को पूरा करना होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा से देवी माँ की पूजा करते हैं तो उसकी इच्छा यहाँ अवश्य ही पूरा होती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका संबंध हमें पुराणों से मिलता है। इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल यह बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव जी का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। राजा दक्ष यह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन माता सती अपने पिता के विरुद्ध जाकर वो भगवान शिव से विवाह कर लेती है। राजा दक्ष भगवान शिव को इतना नापसंद करते थे कि जब भी कभी राजा दक्ष के घर कोई मांगलिक कार्य या यज्ञ आदि होते थे तो राजा दक्ष शिव जी को कभी आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार की बात है जब राजा दक्ष अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जहां भगवान शिव को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था। देवी सती भी बिना आमंत्रण के वहां पहुंची तो उनके पिता ने भगवान शिव का बहुत ही अनादर किया। ये अपमान माता सती सह नहीं पाई और हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को यह खबर मिलती है तो उन्होंने माता सती के देह को अपने बाहों में लेकर शिव तांडव करना शुरू कर दिए। बता दे आपको कि शिव तांडव एक ऐसा नृत्य है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। उस समय भगवान विष्णु ने महाप्रलय को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र फेंका और देवी सती के शरीर को 51 हिस्से कर दिए। देवी सती के शरीर के अंग अलग अलग हिस्से में गिरे थे। इन सारे जगहों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर वह स्थान है जहाँ उनकी योनि गिरी थी। जिस स्थान पर वो गिरी थी उसे नीलाचल पहाड़ कहा जाता है। तब से नीलाचल पहाड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके बाद शिव जी बहुत ही दुखी हुए और ध्यान करने लगे जिसके वजह से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया था। तो सभी देवी देवताओं ने उनके ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव और रति को भेजे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो वो क्रोध में आकर कामदेव को जलाकर राख कर दिए। फिर बहुत समय बीतने के बाद पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ तो कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से अनुरोध किया कि वे उनकी पति को पुनर्जीवित कर दे। तब भगवान शिव ने कामदेव को वैसे ही रूप में लौटा दिया जैसे वो पहले थे। उस समय कामदेव ने माता सती की योनि को खोजकर नीलाचल पहाड़ में मंदिर बनवाया था। मंदिर के निर्माण के पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। इस मंदिर को बहुत बार ध्वस्त किए गए थे। 1498 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने इस मंदिर को खंडहर में बदल दिया था। जब इस मंदिर को तोड़ा गया तो कुछ समय बाद यह मिट्टी में दब गया था। कुछ राजवंशी के संस्थापक विश्व सिंह को जब यह पता चलता है कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था तब उन्होंने मिट्टी में दबे इस मंदिर को निकाला और 1515 से 1540 तक इस मंदिर का निर्माण कराया था। फिर से आक्रमणकारियों के कारण इस मंदिर को पुनः नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद कामाख्या मंदिर का निर्माण विश्व सिंह के बेटे नर नारायण ने पुनः मंदिर का निर्माण करवाया था। कामाख्या पार्वती देवी की अवतार थी। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों और 4 आदि शक्ति पीठों में से एक है। कामाख्या मंदिर को 4 आदि शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। शक्ति पीठ वे स्थान को कहा जाता है जहाँ सती जी के शरीर के हिस्से गिरे थे। ये हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है।
और तांत्रिक समाज या उपासक यहाँ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। इसीलिए यह तांत्रिक उपासकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। महत्वपूर्ण त्योहार अंबुबाची मेला में यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। उस समय यहाँ हजारों की संख्या में तांत्रिक साधक आते हैं। यहाँ की तांत्रिक विद्या बहुत ही कारगर साबित होती है। लोग कर्म कांड या कर्म सिद्धि कराने के लिए यहाँ अपनी इच्छा लेकर आते हैं। कामाख्या मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जून के महीने में एक ऐसा समय आता है जब वहाँ गए श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद के रूप में वस्त्र दिए जाते हैं। इस वस्त्र को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य यह है कि महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी को रसवला होता है, जिसके चलते उनके आसपास एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो वो कपड़ा लाल रंग की अवस्था में मिलता है। वहां के पुजारियों का कहना है कि जब माता रसवला होती है तो उस समय वहां के कुंड का पानी लाल रंग का हो जाता है। वैसे ही मंदिर में रखे कपड़ा भी लाल हो जाता है। वही कपड़ा प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।